जानवर लेकर आते हैं 25,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, 40,000 रुपए का, जिसको अल्लाह इस्तेदाद जितनी दे। उसके बाद उसका बेहतरीन गोश्त बनाने के लिए कसाई को लेकर आते हैं 1500, 2000, 2500। सुने पहले दिन 6-8 हजार रुपए का रेट भी चलता है डिफेंस वगैरह में, लेकिन उस जानवर की गोबर को, उसके खून को, उसकी गंदगी को साफ करने के लिए 500 रुपए जमादार को देने को तैयार नहीं। डूब के मर जाने का मकाम है, डूब के मर जाने का मकाम। कौन सी इबादत है ये, कौन सी कुर्बानी है ये, कौन सी सुन्नत है ये कि इंसानों को तकलीफ देकर जिस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने को हराम करार दिया है, उस जगह हम कुर्बानी करें लोगों को तकलीफ देकर? ये अल्लाह ही जानते हैं कुर्बानी कबूल हो गई कि नहीं, सिर्फ खून बहेगा कि नहीं।